नाज़रीन अहम खबर आपको देंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान का दौरा ख़त्म हो जाने को शर्मनाक करार दिया है। विलियमसन ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहुत हिमायत की जाती है, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में जाकर खेलने का फैसला अच्छा इकदाम था। विलियमसन ने कहा कि मुझे उम्मीद है न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों ने सीरीज़ ना खेलने पर नाराज़गी का इजहार किया होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड का अचानक पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने को शर्मनाक करार दिया है। बात करने के लिए एहतशाम अल हक हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, मज़ीद बताइए क्या कहा गया उनकी जानिब से। जी हाँ, न्यूजीलैंड के कैप्टन अगर जो टीम के साथ पाकिस्तान नहीं आए थे, वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड की जानब से दौरा खत्म करने पर उनका बड़ा हौसला अफजा बयान आया और उन्होंने अपने ही टीम और मैनेजमेंट को रगेदा और उनका कहना कि ये शर्मनाक था, क्योंकि पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस एक टीम है और वो हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान महफूज मुल्क है, लेकिन ये खिलाड़ियों उनका ये भी कहना है कि वो न सिर्फ मायूस है बल्कि उनकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी मायूस है और यकीनी तौर पर उन्होंने भी अपनी टीम मैनेजमेंट से इस पर एहतजाज किया होगा। अगर जो केन विलियमसन ने कहा कि उन्हें तफसीलात का पता नहीं है कि क्या थ्रेट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दौरा होना चाहिए था और ये शर्मनाक काम किया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने मुश्किल में डाला है। जी ठीक है, एहतशाम ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से भी इजहार किया गया था इस मामले पर, उन्होंने भी कॉमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि नजरसानी भी की जा सकती है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है खतो कुताबत हुई है और फिलहाल तो उन्होंने यही कहा कि अभी फौरी तौर पे तो कोई रिव्यू करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने ये यकीन दानी जरूर कही है कि इस दौरे को हम रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा से शेड्यूल अनाउंस किया जाए और खेलें, लेकिन फिलहाल जो है वो चूंकि थ्रेट्स मिली थी और टीम का दौरा अभी मनसूख हो रहा और कोई विंडो भी अवेलेबल नहीं है, तो यकीनी तौर पे उनकी जानब से ये एक पॉजिटिव बात सामने आई है। उम्मीद की जा सकती है कि वर्ल्ड कप के बाद कोई ऐसी विंडो जिसमें दोनों टीमें फारिग हों और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है वो भी उनको इजाजत दे तो ये सीरीज फिर से रीशेड्यूल हो सकती है। ठीक है, एहतशाम ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से इस मामले पर अब तक क्या तहकीकात की गई है, कोई कमेटी तश्कील दी गई है जो इस पर तहकीकात कर रही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से चीफ एग्जीक्यूटिव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया था और उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने न्यूजीलैंड को खत लिखा है जिसमें अपने तफसीलात का इजहार किया और उनसे फिर कहा कि हमें कोई क्रेडिबल जो आपको थ्रेट मिला था उनसे शेयर किया जाए ताकि हम उसका सदैबाव कर सकें, ताकि पाकिस्तान के जो शहरी है उनकी जिंदगी महफूज हो सके अगर ऐसा कोई थ्रेट है तो। जहां तक बात है किसी कमेटी की, तो बिल्कुल वो तैयारी कर रहे हैं, आईसीसी के इजलास में एक अपना वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन न्यूजीलैंड के खिलाफ और जो माली नुकसान हुआ है, जो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट की जो साख खराब हुई है उस पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और आईसीसी की एक जो है वो कमेटी भी है जो डिस्प्यूट कमेटी इसका नाम है और वो कोई भी दो मालिक के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको हल करने के लिए काम करती है। अब देखना होगा कि इजलास कब होता है आईसीसी का और पाकिस्तान उसमें फिर अपना क्या स्टांस पेश करता है। जी मोहसिन खान साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मंसूख होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख मुतासर हुई, पीसीबी की साख मुतासर हुई, इस हवाले से आईसीसी क्या किरदार अदा कर सकती है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि जहाँ तक केस की बात है वो अब क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं रहा, ना आईसीसी में रहा है, इसलिए जब आईसीसी ने रूल निकाला था दो चार साल पहले की जो भी पायलट सीज होगी वो आपस में वो करेंगे। हाँ, आईसीसी ये है कि जरूर उस पर अपना इनपुट दे सकता है कि होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, मेन चीज़ अब ये दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट। और मैं तो सबसे पहले की बात कहूँगा, मुझे बड़ी हैरानगी और शॉक लगा था मुझे जब पता चला कि वो बगैर किसी से डिस्कस करके बाद में करते हैं वो उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट आई है और अपने बैग उठा के चले गए। ऐसे थोड़ी होता है, अगर ऐसे खुदा न खास्ता अगर हम कर देते तो पता नहीं क्या हंगामा दुनिया में जाता, वो चले गए यहाँ से उठा के, यानी कि उन्होंने इसका। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो अगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का तो मैं कहता आप लोग आराम से होटल में रहिए, मैं आपको एक बात करता हूँ। चेयरमैन को चाहिए था कॉन्टेक्ट करता इमरान खान से, बिकॉज जमाने में बाहर थे, मैं बताता ये सारी सिचुएशन है
और वी विल नॉट लेट इट गो लाइक दिस, बिकॉज देखिए इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का पूरी इज्जत का सवाल है, सबसे बढ़ के पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। इस तरह आप छोड़ के चले गए जैसे पता नहीं मोहल्ले में मैचेस हो रहे थे, आपने कहा जी हमने केरला में घर जाए, ऐसे थोड़ी होता कोई। और मैं पर्सनली स्पीकिंग क्या, अगर मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं चेयरमैन होता मैं कहता आप अभी नहीं जाएंगे, आप रुकेंगे, हम मैच कॉल ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैच खेलेंगे आपसे सेफ्टी के लिए, रेस्ट डे आ रहा है बीच में, उससे ओके हो गया तो आपसे पूछेंगे कि भाई रेस्ट डे को भी एक मैच रख लें जो आज का नहीं हो पाया। लेकिन कोई ऐसी बात ही नहीं, मैं आप यकीन करें मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि ये किस तरह ये करके यहाँ चले गए बगैर, यानी कि उन्होंने हमारी क्रिकेट बोर्ड को रद्दी का टोकरा समझा, बिल्कुल इससे बात ही नहीं की, और अपनी तैयारी करके निकल गए। आई थिंक जहाज भी उनका ही आया था वहां से, मैं गलत नहीं हूँ जी। अच्छा मोहसिन साहब, ये भी कहिएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम यकीनी तौर पर दौरा मनसूख होने के बाद अफसोस में मुबतला है, और अब तो न्यूजीलैंड के अपने कप्तान ने भी दौरा मनसूख होने को शर्मनाक करार दिया है, आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्या मुशावरती अमल इख्तियार करके कोई मुश्तरक इकदाम उठाए जा सकते हैं इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए सॉर्ट आउट का सीधा सा मसला है कि ये इसको इश्यू को उठाएं, बिल्कुल उठाएं कि जी आप तो ऐसे चले गए कि जैसे हमसे कोई वास्ता नहीं, आप यहाँ आए थे, आप हमारे मेहमान थे, हमने आपकी सारी सिक्योरिटी और चीज़ का इंतजाम करा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मैं इसे ऐसे नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने देखा कहीं जब मैं क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहा था, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज रेंजर्स पुलिस मिलकर इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी देते हैं। फिर आपका एक पैनल आया था बकायदा कुछ दिन पहले, जिसने सारी चेकिंग की थी कि क्या है क्या है, फिर चार दिन ये आराम से खुले आप ग्राउंड पे खेलते रहे, इन्हें किसी ने पढ़ सकती हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। जाने के वक्त आप मैच से थोड़ा टाइम पहले होता है आप अनाउंस करते हैं, तो मैं तो आई वाज शॉक्ड लाइक एनीथिंग कि क्या मजाक उड़ा है, ये तो लिटरली मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट का। और पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत इज्जत रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचा है। हाउ कैन यू जस्ट लीव द टूर लाइक दिस, थैंक यू वेरी मच, हम ही खेल रहे हम जा रहे हैं, तो बच्चों का खेल थोड़ी हो रहा है। और फिर वहाँ से उधर कहीं से स्टेटमेंट भी आती है कि हम इनसे खेल के बदला लेंगे, बोले ये बचकाना बातें नहीं करना चाहिए कि कौन किससे हारता है जानबूझ के। हाँ अगर जैसे मैच फिक्सर्स हैं जो कुछ इन्वॉल्व हैं आपके रहे हमारी क्रिकेट में पास में, वो हारवा देते हैं, लेकिन ये मैं ऑनेस्टली मैं फिर आपसे कहूँगा कि मुझे बहुत दुख पहुँचा इस बात का कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती हुई, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, यानी क्या उसके बाद जैसे इंटेलिजेंस से हमारी बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड से, वो उनको कहता है कि आप मैच हमने कॉल ऑफ कर दिया, आप आराम से एक रात दिन में और कल भी अगर आप रहते हैं जब तक हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं चेयरमैन होता मैं सीधा इमरान खान को फोन करता अपने प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए वो पेट्रन भी हैं, उनसे कहता है ये सिचुएशन है, या तो आप बात कीजिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, या मैं करके आपको बताऊँ। अगर वो कहते ठीक है तुम करो, मैं फोन करता हूँ उनको, मैं कहता देखिए दिस शुड नॉट हैपन लाइक दिस, ये बहुत बैड फीलिंग क्रिएट करेगा। देखिए न्यूजीलैंड की मेरे दिल में कदर क्यों है, वो बड़ी अच्छी टीम है, हमेशा बड़े पीसफुल लोग हैं, और आपको याद है उसकी प्राइम मिनिस्टर ने क्या जबरदस्त जैसे शो किया था जब वहाँ पे मुसलमानों की किलिंग हो गई थी, उसे मस्जिद में अजान करवाई, तो लोग आके सबके घरों पर पुरसा करने गए, तो उसको पूछना चाहिए कि वाई द हेल दिस थिंग इज हैपन लाइक दिस। हाँ हम कंसर्न आपसे रहते, कंसर्न आप सारे काम हम करते, आपके प्लेयर्स को हम इन्वेस्टिगेट करते, आप हमारी गारंटी पे आते हैं सिक्योरिटी पे जब आपके लोग चेक करते हैं, यानी कोई तहफ़ुज़ात थे भी तो पूरा पैटर्न फॉलो करना चाहिए था जिसके बाद दौरा मनसूख किया जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान, हमें अपना वक्त दे रहे थे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम अल हक ने भी हमें तफसीलात फराहम की, आपका भी शुक्रिया।